लखनऊ में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने नमामि गंगे और सिंचाई विभाग को लेकर बैठक की। बैठक के बाद आर्यन टीवी नेशनल के यूपी स्टेट हेड आरसी भट्ट से बातचीत की। महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री जी का सपना हर घर को नल से जोड़ना है, उसी के तहत इस मिशन से हम लोग घर घर पानी पहुंचा सकते हैं, उसी को लेकर बैठक की गई। हमारे साथ मौजूद हैं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी, जो इस समय नमामि गंगे और सिंचाई विभाग की एक संयुक्त बैठक उन्होंने आज की है। और ये सीधे तौर पर कहीं न कहीं सिंचाई विभाग और नमामि गंगे योजना को साथ जोड़कर किसानों का और खासतौर पे उन लोगों को जो खासतौर पर पेयजल से वंचित हैं खासतौर पर, तो उनको फायदा पहुँचाने के लिए आई बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जल शक्ति मंत्री जी। मंत्री जी, किस तरह की बैठक थी और क्या? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर घर को नल से जोड़ना है, उसी के तहत जल जीवन मिशन के दृष्टि से हम लोग कैसे घर घर पानी पहुंचा सकते हैं। पानी जो हमको लेना है वो डैम के माध्यम से, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट और जलापूर्ति विभाग, हमारी दोनों विभागों की आज ज्वाइंट मीटिंग थी। सभी जगहों पर कितना पानी है और कितना पानी लेना है उसके लिए NOC देना, बाकायदे आज दोनों विभागों में सहमति बनी है। और सब सहमति बनने के बाद आज हम लोगों ने अंतिम रूप दिया है। अब जल्दी से जल्दी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम लोगों ने अभी घर हर घर नल योजना का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसको और तेज गति से बढ़ाएंगे। और जिन जिलों में अभी काम शुरू नहीं हो पाया है वहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जल्दी से शुभारंभ करा के वहाँ भी काम शुरू करेंगे, जिससे हमारा पूरा बुंदेलखंड, मिर्जापुर और सोनभद्र का एरिया पहली प्राथमिकता के आधार पर हर घर को नल से जोड़ने की हम लोग कार्रवाई को पूरा करेंगे। खासतौर पर पानी खराब है, पानी की शुद्धता खराब है, जिससे लोगों का आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और शुद्ध जल देने की लगातार सरकार ने ये बात कही है, पेयजल भी दे रही है और शुद्ध जल, तो ये इसमें आप अपने विभाग से कैसे देखेंगे कि लोगों को शुद्ध जल? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया उसको पूरा करें और उसकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सभी घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, इसको प्राथमिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र और उसके बाद JEES प्रभावित एरिया, उसके बाद जितने गुणता प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे हमारा आर्सेनिक और फ्लोराइड का एरिया है या खारे पानी का एरिया है, उन सब एरियाओं को हम लोग शुद्ध पेयजल से कनेक्ट करना चाहते हैं। जहाँ पर हमारे पास ग्राउंड वाटर वहाँ ग्राउंड वाटर से देंगे, जहाँ ग्राउंड वाटर नहीं वहाँ सरफेस वाटर से देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी लोगों तक, घर तक उनके नल से जल और शुद्ध पेयजल पहुंचाने के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। नमामि गंगे का कार्यक्रम किस तरह से राज्य सरकार चला रही है, भारत सरकार क्या सहयोग दे रही है और किस तरह से नमामि गंगे यानी कि गंगा की सफाई को लेकर सरकार का एक बड़ा संकल्प है, उसको लेकर किस तरह से काम कर रहा है? देखिए बहुत अच्छा काम चल रहा है और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी कमान संभाली है उसी का परिणाम था कि जिस कुंभ में लोग आचमन नहीं करते थे वहाँ लोगों ने आचमन भी किया, जलपान भी किया, स्नान भी किया और हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर को भी गए। पूरी दुनिया में बड़ी प्रशंसा हुई और उसका सबसे बड़ा कारण था नमामि गंगे का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए एक अभियान छेड़ रखा है, जिसमें आपने देखा होगा कि गंगा मैया तो कई प्रांतों से होकर के गुजरती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश हमारा पहला राज्य है जहां पर गंगा यात्रा हम लोगों ने किया, जन जागरण भी किया। 24 डिपार्टमेंट को छोड़ करके गंगा के दोनों तटों को पूरी शुद्धता ODF प्लस 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 के अलावा भी गंगा मैया में किसी प्रकार का प्रदूषण न जाने पाए, उसकी भी कार्य योजना बनाई गई है। इसके साथ साथ दोनों तट हरे भरे दिखाई पड़े, नर्सरी लगे, वहाँ पर खेल का मैदान हो, वहाँ पर आरती करने के लिए चबूतरा हो, वहाँ पर अच्छे शमशान घाट हो, सब तरीके की व्यवस्था करने की दृष्टि से जो काम चल रहा है, जितने STP हैं उनको हम लोग तीव्र गति से बना रहे हैं, पूरी क्षमता के साथ वो सब चलें। जितने नाले गंगा जी में, जमुना जी में या नदियों में गिर रहे हैं उनको सबको टैप करने का, किसी भी गांव का कोई गंदा पानी वहां ना जाने पाए उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने का, यानी चतुर्दिक अभियान के तहत हम लोगों ने नमामि गंगे के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अविरल गंगा निर्मल गंगा, उसको करने के दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उस काम को बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि अभी हमारी गंगा, हमारी यमुना और बाकी सब नदियां भी काफी शुद्धता इस समय दिखाई पड़ रही, उसको मेंटेन करना और आगे उसको बढ़ाने के दृष्टि से जितनी फैक्ट्रियां अभी हम लोगों ने
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग किया है और सबको उनको भी कहा है कि जितनी इस तरीके के हैं उनको नोटिस दे करके उनको भी रोकना है। सब ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं अपने और कोई भी गंदा पानी नदी में न जाने पाए इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए भी हमने निर्देश दिया है। तो हमारी गंगा निर्मल हो, अविरल हो, गंगा जीवनदायिनी है और इसलिए गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ते कहा गया। हम लोग माँ की पूजा करते हैं और निश्चित रूप से उस काम को अच्छे ढंग से करेंगे। थैंक यू। सरकार त्रिस्तरीय काम कर रही है, एक तो नमामि गंगे के तहत जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं खासतौर पर नदियों की सफाई को लेकर उस पर सरकार का फोकस है और उसके साथ साथ सबको नल से जल मिले, शुद्ध जल मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता है और दोनों विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। अनिल सैनी के साथ आरसी भट्ट, आर्यन टीवी, लखनऊ।